हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कॉजीविट प्लस जेल के बारे में। ये एक सेफ स्किन लाइटनिंग क्रीम है जिसमें कॉजिक एसिड होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है, अल्फा आरबिटिन होता है, मलबरी एक्सट्रैक्ट होता है और एलेंटोइन होता है, विटामिन ई होता है। तो ये सब जो तत्व हैं हमारी स्किन के लिए सेफ होते हैं। तो इस क्रीम के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ये कैसे काम करती है। बहुत से डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा इस क्रीम को प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं या आपको मुहासों के बाद निशान पड़ गए हैं या आपको झाइयाँ हो गई हैं या आपको कोई इंजरी हुई उसके बाद मार्क पड़ गया या आपका टैनिंग हो गई या आपका इवन स्किन टोन नहीं है, कहीं से डार्क है कहीं से लाइट है, तो उन सब कंडीशन में ये क्रीम को डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो इस क्रीम को आपको कब कब लगाना चाहिए? इस क्रीम को आप नाइट में लगा सकते हो और लगाने से पहले आपको 3 से 5 रातों के लिए टेस्ट करना है। फेस पे किसी एक पॉइंट पे लगा के, जैसे कि आप यहाँ पे या नेक पे लगा के टेस्ट कर सकते हो, सेम जगह आपको 3 से 5 रातों के लिए लगाना है। अगर कोई लाली नहीं आती, कोई खुजली नहीं होती, कोई जलन नहीं होती, तो इसका मतलब वो क्रीम आपको सूट कर रही है और आप उसको लगा सकते हो। टेस्ट करने के बाद रोज रात को फेस वॉश करने के बाद, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद, फिर इस क्रीम को जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम है उस एरिया में लगाया जा सकता है। कौन इस क्रीम को नहीं लगा सकता? जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, या आपने स्टीरॉयड क्रीम लगाई उसकी वजह से आपकी स्किन लाल पड़ गई, या आपकी स्किन में घाव है, या आपकी स्किन जली हुई है, तो इन कंडीशन में ये क्रीम नहीं लगाई जा सकती। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, आपने कोई क्रीम से उसको रेड नहीं किया, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव नहीं है, तब आप ये क्रीम लगा सकते हो। किसी भी चीज़ को लगाने से कुछ टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो इस क्रीम को लगाने से भी कुछ टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स कुछ लोगों में देखने को मिलते हैं। उन टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स में आपके एरिया, जिस एरिया में आप लगाते हो उस एरिया में खुजली हो सकती है, वहाँ पे लालीपन आ सकता है, वहाँ पे स्किन ड्राई होके पील ऑफ हो सकती है, तो ये इसके टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो इसका मतलब ये जो तत्व है आपको सूट नहीं किया, तो आपको तुरंत से इस क्रीम को बंद कर देना चाहिए। लेकिन रेयरली ऐसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, अधिकतर पेशेंट्स को ये क्रीम सूट कर जाती है। इस क्रीम में जो कॉजिक एसिड पाया जाता है, जो बाकी तत्व हैं, वो किस तरीके से हेल्प करते हैं? एक्चुअली हमारी स्किन का जो कलर है वो मेलेनिन पे डिपेंड करता है। हमारी स्किन में जितना ज़्यादा मेलेनिन होता है हमारी स्किन उतनी डार्क होती है, मेलेनिन कम होता है तो हमारा कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है। तो ये जो कॉजिक एसिड है ये टायरोसिनेज नामक एक एंजाइम होता है, उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। ये टायरोसिनेज आगे जाके मेलेनोसाइट, जो मेलेनिन बनाने वाली सेल्स होती हैं, उनको स्टिमुलेट करता है। फिर जब सेल्स स्टिमुलेट होती हैं तो ज़्यादा मेलेनिन प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा मेलेनिन प्रोडक्शन होने से वहाँ पे डार्कनेस आ जाती है। तो कॉजिक एसिड उस एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देगा, वो आगे जाके मेलेनोसाइट, जो मेलेनिन बनाने वाली सेल्स हैं, उनको कम स्टिमुलेट करेगा। मेलेनिन सेल्स कम स्टिमुलेट होंगी तो वहाँ पे फिर मेलेनिन प्रोडक्शन कम होएगा और इस तरीके से ये लाइटनिंग इफेक्ट स्किन में लाता है। एक सेफ तत्व है ये, जिसको आप कुछ महीनों तक यूज़ कर सकते हो, उसके बाद इसको कुछ टाइम के लिए गैप दे देना चाहिए और फिर बाद में आप दोबारा से शुरू कर सकते हो। इसका रिजल्ट दिखने में आपको कम से कम 1 महीने का टाइम देना चाहिए अपनी स्किन को, क्योंकि 2 to 4 weeks में इसके रिजल्ट आने शुरू होते हैं। तो ये इस क्रीम का प्राइस क्या है और इसका पिक्चर मैं साइड में शेयर कर रही हूँ। एक अच्छी क्रीम है ये, लगाई जा सकती है अगर आपको सूट करती है तो। अगर आपको हल्के फुल्के मार्क्स हैं तो वो इस क्रीम से चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको झाइयाँ हैं, मेलाज्मा जिसको बोलते हैं, तो वो सिर्फ क्रीम लगाने से वो ठीक नहीं होती। उसके लिए आपको खाने वाली मेडिसिन भी खानी होती हैं और लगाने वाली क्रीम्स लगानी होती हैं। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ये इस क्रीम का रिव्यू अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।